मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में नगर पालिका चुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित किया और आम नागरिकों से अपील करते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि रायसेन को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस दौरान सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और विधायक रामपाल सिंह सहित वार्डो के 18 पार्षद भी मौजूद रहे। रायसेन को जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी ने कहा, एक स्वच्छ शहर, एक विकसित शहर, एक समृद्ध शहर, एक सुरक्षित शहर के रूप में हमको स्थापित करके देना है। बहुत से काम हो रहे हैं, लेकिन मैं पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने तो उपचुनाव में गजब कर दिया है, 64,000 वोटों से जिताया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और डाक साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, इसलिए कि कांग्रेस की सरकार जनता के लिए जनता की सेवा ही नहीं कर रही थी,